है, फिल्म डायरेक्टर हूँ मैं इस फिल्म का, राइटर भी मैं ही हूँ। और ये फिल्म जो हमने राजस्थान में बनाई है फिल्म में, और नो सेंटर सर, ओके, ये फिल्म, मेरा नाम अरुण नागर है और मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। और राजस्थान में हमने फिल्म बनाई है जिसमें जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, डबल रोल प्ले किया है हमारे सचिन जी ने, सचिन गुर्जर साहब ने, जो सरपंच शेर सिंह का इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, और छोटे भाई भी यही बने हैं वीर सिंह के नाम से। ये मोहतरमा गरिमा जी हैं, इन्होंने बड़े भाई की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है, और छोटे भाई की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है अनुपमा जी ने। और अपने जावेद भाई हैं, ये बहुत अच्छा एक कॉमिक किरदार है फिल्म में जो इन्होंने प्ले किया है उस फिल्म में। अरुण जी, मैं आपके आपसे फिल्म के टाइटल के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि फिल्म का टाइटल है रिस्क नामा जी। क्यों है इस फिल्म का ये टाइटल? देखो, मेरी नज़र में ये है कि लाइफ में हर समय रिस्क होता है जी। और जब एक इंसान पूरी ज़िंदगी प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा हो और सडनली उसको प्यार हो जाए, और प्यार भी छोटे भाई की वाइफ से हो जाए, तो ये लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होगा। तो इसीलिए फिल्म का नाम मैंने सोचा रिस्क नामा। सचिन जी, इस फिल्म में आपने डबल रोल किया है, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए रोल? मतलब मैं ऐसे पहले कुछ नहीं किया है कि मैं कुछ बता सकूं आप लोगों को कि यूट्यूब पे मेरा कुछ है या किसी सीरियल में पहले आया हूं जी। तो थोड़ा मुश्किल था, तो हेल्प मेरी भाई ने की बहुत ज़्यादा। पहले करके दिखाते थे, फिर मैं उसको कॉपी करता था सेंटर, और हाँ, तो उसको मैं फिर दोबारा कॉपी करता था, दो तीन बारी, चार बार, पांच बार करते 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 फिर जी ये फिल्म बन गई। तो मुश्किलें थी शुरू में। अच्छा, इंटीमेट सीन्स के बारे में क्या कहोगे, उसमें कितना डिफिकल्ट था या वो शूट कैसे हुआ? सब पहली बार था तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि कभी, तो थोड़ा वो भी मुश्किल लगा। ओके, एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल मूवी के टाइम पे? बहुत अच्छा। क्या कुछ सीख मिली है इस मूवी से, आप सबसे जानना चाहेंगे? जी, बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा और पहले से बता देता हूँ। सचिन बेसिकली स्ट्रगलर आर्टिस्ट था। जब मैं एज अ स्ट्रगलर बॉम्बे में आया था, मुझे डायरेक्टर बनना था, भाई साहब को एक्टर बनना था, और ये अपना स्ट्रगल ख़त्म करके बॉम्बे से निराश होकर चले गए, और अपनी वही दिल्ली वाली जो दिल्ली गाय वाली लाइफ होती है, क्लब व्लब जाना, नाइट वाइट ये सब, तो नाइट में जागना और दिन भर सोना। मैंने एक दिन फ़ोन किया कि भाई, अब मैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, तो मैंने बोला कि मैं दिल्ली आऊँगा, मैं यहीं रहता था, भाई साहब दिल्ली में रहते थे, मैंने बोला दिल्ली आऊँगा तो मिलूँगा तेरे से। मेरे माइंड में था कि भाई इसको मैं सेंट्रलाइज करता हूँ उस कैरेक्टर में, तो मैंने फ़ोन किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, कह रहा भाई आ जाना। अगले दिन मैं सुबह में 10-11 बजे पहुँचा, भाई साहब अपना सोए हुए हैं नाइट में जाग के। मैंने चल फिल्म मेरे ध्यान नहीं रहा कि मेरी बात हो चुकी थी, भाई आए मैं बेड पे लिटरली, हाँ भाई, मैंने कहा भाई अच्छा, मेरे को मैं हाँ मैंने बुलाए थे याद आया। फिर इसके बाद स्क्रिप्ट, मैंने स्क्रिप्ट पकड़ाई कि भाई ये फिल्म है और इसको हम करने चल रहे हैं जयपुर, तो इसको लगा कि मजाक कर रहे हैं। मतलब अभी तक जब मैं इतना स्ट्रगल करके बॉम्बे से थक के वापस आ गया, अब अचानक मेरे डोर स्टेप पे ऐसे कैसे ऑफर आ सकता है, तो इसको चलो ठीक है चल रहे, अनमने मन से मतलब ये हमारे साथ गए। वहाँ जब पहले दिन सेट पे शहबाज खान, प्रमोद माथो, अपने जावेद भाई जो इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनको देख के लगा यार सच में फिल्म बन गई है। अभी भी सीरियस नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इनका वो जो मतलब जो अनमने मन से गए थे भाई साहब, तो धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं, और एक हफ्ते बाद इनको रियलाइज हुआ कि यार सच में फिल्म बन रही है। तो उसके बाद ये इन्होंने मेहनत शुरू की, और फिर मैंने जितने एक हफ्ते के सीन थे सब रीशूट किए थे, और उसके बाद इन्होंने फिर जो मेहनत की वो मतलब फिल्म में रिजल्ट दिखा दे रहा है। गुर्जर आंदोलन जो मैंने फिल्म बनाई थी 2014 में रिलीज हुई थी वो फिल्म, और 1500 थिएटर्स में मैंने रिलीज की, तो पहले ही दिन उस फिल्म को बैन कर दिया गया था ऑल ओवर राजस्थान। CBI वालों का फोन आया कि भाई आपने फिल्म बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। अच्छा तो आप हमसे मिलने आ जाओ, आप नहीं आओगे तो हम आपसे मिलने आ जाएंगे। मैंने कहा यार आप मिलने आओगे तो ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो मैं ही आ जाता हूँ। तो मैंने उनके लिए जयपुर के लक्ष्मी सिनेमा है वहाँ पे एक स्क्रीनिंग, स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, और 75 पुलिस वाले हाई रैंक
सारे जितने भी थे उन्होंने वो बैठ के फिल्म देखी, और सिर्फ मैं अकेला बंदा 75 पुलिस वालों के साथ बैठ के फिल्म देख रहा हूँ, डर भी रहा हूँ, पता नहीं फिल्म ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे ये लोग। मतलब फिल्म ख़त्म हुई, देखी उन्होंने, उनको लगा कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होगी, जो रियल गुर्जर आंदोलन है उससे रिलेटेड कुछ होगा, किसी पॉलिटिशियन ने तो फिल्म नहीं बनवा दी, ऐसा कुछ उनको डर था। तो फिल्म देखने के बाद उन्होंने वैसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिल्म को रिलीज़ भी नहीं होने दिया। बाकी जगह मैंने रिलीज़ की और अच्छा खासा एक बिजनेस था उस फिल्म का। गुर्जर जो है दूध के बिजनेस से जुड़े रहते हैं, हाँ, यूपी गर्लवाल जी, तो अभी हाल ही में ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं कि 6 करोड़ की गाड़ी में भूसा लेकर आ रहे हैं, सब पे डांस कर रहे हैं, ये ऐसा इसमें दिखाया गया है, कितने पैसे हैं उनके पास? नहीं, बेसिकली मैं आपको बताया था, जो गुर्जर कम्युनिटी है ना वो दिल्ली NCR की बहुत अमीर है। अभी एक वाकया हुआ था राजस्थान में, वहाँ की गुर्जर जो है वो आरक्षण मांग रहे हैं और पिछले 50 साल से मांग रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा आरक्षण चाहिए। वो आरक्षण मांगने किस में आ रहे हैं, वो ऑडी में आ रहे हैं, BMW में आ रहे हैं। कह रहे भाई आरक्षण क्यों चाहिए, तुम तो 50 करोड़ की गाड़ी में आते हो। कह रहा जी बस पसंद है तो पसंद है, अब यही चाहिए हमको। तो ऐसी चीज़ें के जिद पे आ गए तो लेते हैं फिर वो। ये दिखाया आपने इस फिल्म में थोड़ा बहुत? इसमें नहीं दिखाया, उस फिल्म में दिखाया था। सर कहा जा रहा है कि इस फिल्म को भी लेकर आपको गालियां मिली है और, हाँ, जो बैन करने की बात बेसिकली गालियां तो चलो कुछ दे रहे हैं, मैं लेकर रख लेता हूँ उनको। बेसिकली क्या है कि राजस्थान की एक कॉस्ट्यूम है जो स्पेशल बताते हैं कि हाँ ये गुर्जर पहनते हैं, ये मीणा पहनते हैं, ये ठाकुर पहनते हैं, ऐसी कॉस्ट्यूम है बेसिकली। तो उस कॉस्ट्यूम में जब इंटीमेट सीन दिखा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है और वो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गालियां भेजते हैं मेरे को, तो मैं सुन के रख लेता हूं उनको। सर इसके अलावा जावेद सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने बॉलीवुड के हर स्टार्स के साथ ऑलमोस्ट आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का, और थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए। सर ने कहा कि कॉमिक कैरेक्टर है तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है आपके कैरेक्टर। मेरा रोल वाकई में चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि ऐसा रोल है जिसे कन्हैया लाल जी ने मदर इंडिया में किया कैरेक्टर, और लेकिन आसान इसलिए रहा करने के लिए क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो बहुत अच्छे एक्टर है। तो जैसे सचिन जी ने बताया था, पहले वो करते थे फिर हम करते थे, तो उसी तरह पहले वो करते थे और हम करते थे, तो बड़ी खूबसूरती से हमने उस करेक्टर को निभाया। बहुत प्यारा रोल, मेरी लाइफ का इतनी फिल्में किया, मैंने 300 फिल्में किया, लेकिन इस फिल्म में मेरा हटके रोल है, तो पसंद आएगा सबको। दो लीडिंग लेडीज से जानना चाहूंगा, गरिमा जी और अनुपमा जी, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, और सर ने क्या ब्रीफ दिया था और कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑरल? एक्चुअली जब सर ने मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया था कि यू आर गोइंग टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ सरला, मींस आई हैव प्लेड सरपंच बाई, तो इट वाज लाइक आई वाज हैप्पी, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड कैरेक्टर, और सर ने उस कैरेक्टर के साथ में बहुत जस्टिस किया है। सरला इज बेसिकली अ फैमिली वुमन, और क्योंकि सरपंच की वाइफ है तो वो भी उसको मेंटेन रखना है। हाँ, क्योंकि राजस्थानी बेस्ड स्टोरी थी तो थोड़ा सा लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम आती थी, तो वो अरुण सर थे वहाँ पर, तो ही हेल्प मी आउट एंड थिंग्स वर्कड आउट, और जब आप देखेंगे तो आई होप कि सरला का कैरेक्टर आपको पसंद आएगा। अनुपमा जी आप बताइए। मेरा करेक्टर मोहिनी का था, बहुत थोड़ा हार्ड था, और अरुण सर जी ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया था उस सब चीज़ों में, बिकॉज वहाँ का कॉस्ट्यूम बहुत ही ज़्यादा हैवी था और हम लोग उसको टक करते थे, हमारा सर इधर से उधर घूमने का नाम ही नहीं लेता था उस टाइम पे। सर ने अक्सर बोलते थे वहाँ पे, नहीं आपको करना है, कैसे करोगे, यहाँ की लेडीज़ कैसे करती है, तो लाइक हमें दिखाते थे देखो ऐसे करते हैं ये लोग। इवन एक शूट पे मुझे एक जगह था जहाँ पे मुझे एक्ट करना था कि बड़ा सा कुछ लेके जाना है, प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो मेरे सर पे आई थिंक मैक्सिमम 20-25 kg का होगा वो भूसा टाइप का समथिंग कुछ था, तो मैं उसको लेके चली थी, प्रॉपर एक टेक में वो शूट हो गया था, उसको 2-3 टेक हो गया था देते हुए फिर, लेकिन आई वॉज इन्जॉइंग बिकॉज ऑफ वहाँ के लोग और वहाँ पे खाना पीना लाइक प्रॉपर नेचुरल होता है ना उस टाइप का, आपको छाछ मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, एवरीथिंग यू गेट इट इजीली। जितने दिन भी थे वो ऐसा लगता था गांव वाले फील आती थी। सर ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा है, बिकॉज थोड़ी सी अनयूजुअल स्टोरी है कि छोटी यू नो भाई के वाइफ से प्यार हो जाता है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा है? ये बेसिकली मैं जब गुर्जर आंदोलन शूट कर रहा था तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया था, और ये एक रियल कॉन्सेप्ट है, उसने छोटा सुनाया, मैंने उसको बड़ा कर दिया, लेकिन है इंसिडेंट इसमें जो है वो रियल है। बेसिकली फादर था इसमें, जो कैरेक्टर था वो फादर का था और बेटे का था,
लेकिन उन्होंने कहा ज़्यादा कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भाई कर दिया मैंने उसको। सर गुर्जर समाज की क्या प्रतिक्रिया उसको देखकर, उनके जो बड़े लोग हैं उन्हें कैसी बताई फिल्म? पहले तो मैं ये बता दूँ ये कॉन्सेप्ट गुर्जर समाज के ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, किसी हम स्पेशल कास्ट से इसको बिलोंग नहीं कर सकते हैं। और गुर्जर समाज बेसिकली मुझे तो बहुत अच्छे, आप दिल्ली NCR के लोग तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं कि आप गुर्जरों की नाक हो ये, लेकिन कुछ हैं लोग जो मतलब होता ना कि एक सेलिब्रिटी को अगर गाली दोगे तो तुम ज़्यादा फेमस हो जाओगे, वैसा मामला चल रहा है आजकल, तो लोग गाली देने में ज़्यादा पसंद करते हैं, रात रात वो फेमस हो जाते हैं। ये तो सच्ची है भाई, अगर गुर्जर कम्युनिटी में मतलब मैं जो बचपन से देखता हूँ कि अगर किसी के लिए मतलब दोस्ती कर ली तो जान दे देगा, मतलब अच्छा के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बहुत बुरा है, और अच्छे के साथ बहुत अच्छा है, मतलब वैसे लोग। अच्छा, इस मूवी में कितने गाने हैं और कितने स्क्रीन पे ये मूवी रिलीज होने वाली है? 3 गाने हैं बेसिकली फिल्म में, और स्क्रीन तो अभी कल तक भी बुकड हो रही है, मतलब 1000 से ऊपर हो चुका है, मतलब मुझे यकीन है कि 1500 के आसपास स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे, और ऑल ओवर इंडिया ही लग रही है, मतलब साउथ में भी फिल्म लग रही है। ठीक था, अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, और नया करेक्टर कुछ नया प्ले करने को मिला, तो इस हम आर्टिस्ट ने तो कुछ नया नया करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और नया एक्सपीरियंस भी आता है हम सब में, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं एक बात मुझे याद आ गई है, बेसिकली स्टार्ट टू फिनिश अगर मैं फिल्म शूट करता तो 30-40 डेज में बन जाती, लेकिन ये फिल्म बनी है 70-80 डेज में। उसका रीज़न ये है कि मैं 4 हीरोइन को निकाल चुका था, काफ़ी रिस्क उठाई आपने। 4 हीरोइन, अनुपमा फिफ्थ नंबर था इसका, इससे पहले 4 हीरो